लो भाई मिठाई खाओ लो 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 खाओ 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 लो मिठाई खाओ मिठाई खाओ मिठाई खाओ 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 लड्डू खाओ लीजिए लीजिए ये कैसी मिठाई है पर्वतदास जी कोई खुशी खबर ए भाईजी लाल ने सारे महल वासियों के लिए व्यवस्था की है मिठाई की हम बिजोलिया वासियों ने चित्तौड़ के सैनिकों को जो मुंह तोड़ उत्तर दिया है और आप सैनिकों का कितना बड़ा योगदान था उसमें मैं उसी प्रसन्नता में ये मिठाई दी गई है लो 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 खाओ खाओ लो लो, लो। अरे आप खाओ, भी खाओ। लो सैनिकों शूरवीर खाओ 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 जय मातृभूमि जय मातृभूमि सुनो सुनो अफगानों ने आक्रमण कर दिया है कोई जाके बोल दो भाई जयलाल को आक्रमण कर दिया अफगानों ने भागो 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 अब ऐसे क्या देख रही हैं आश्चर्य हो रहा है हमें आश्चर्य हो रहा है ये देख कि मेवाड़ का वीर युवराज जो आज तक किसी भी शारीरिक चुनौती के सामने नहीं झुक रहा किसी भी नैतिक चुनौती के सामने नहीं झुक रहा और ना ही किसी आध्यात्मिक चुनौती के सामने झुक रहा उसने आज अपने ही अंत कर्म जाने कब से छुपाए हुए भावनात्मक अंतर्द्वंद्वों के सामने घुटने टेक दिए क्यों प्रथा अंतर्द्वंद कैसा हमें कुछ नहीं हुआ हम बिल्कुल ठीक है मेरा मां सच प्रथा आपको विश्वास नहीं हो रहा हमारी बातों पर प्रथा था ये जो हमारी आंखें होती है ना ये हमारी मन की दर्पण होती है आपकी आंखों को देख कोई भी आपके मन की बातों को पढ़ सकता है मीरा मां हम क्या करें क्या करें हम आप सारे संसार से तो भाग सकते हैं भला कोई अपने आप से भी भाग सकता है क्या करे भी तो क्या करें मीरा मां हमें कुछ सूझ नहीं रहा प्रताप आप भागिए मत आपके मन में जो अंतर्द्वंद चल रहा है उसे स्वीकार कीजिए उसका मुकाबला कीजिए सामना कीजिए उसका एकलिंग जी जीजा अफगान सेना का संकट हमारे द्वार पर हुंकारे भर रहा है और हमारे महल रक्षक क्यों अचेत पड़े हमें लगता है जीजा कि हमारे विरुद्ध एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है अजब दे महल के बाई भाग के भी सारे रक्षक अचेत पड़े हुए हाँ बाजीराव महल के दाएं भाग के भी सभी रक्षक अचेत पड़े हैं घबराहट से मात्र विनाश हमारा ही होगा इस समय आवश्यकता की बात यह है कि हम हिम्मत से और पूरी क्षमता से इस संकट का सामना करें पत्ता अब जाकर हमारे सारे सिपाहियों को एकत्रित कीजिए
पर समस्या ये है जीजा कि अब तक उनका मूलभूत प्रशिक्षण भी पूर्ण नहीं हुआ। अब ऐसे भाई साहब, अफगानों ने हमारे शस्त्रागार पर आक्रमण बोल दिया है। क्या पता, आप तुरंत अपने साथियों के साथ शस्त्रागार पहुंची और जाकर हमारे सारे हथियार बचाई। ये केवल हथियार ही नहीं, वे हमारे बिचौलिया की प्रजा के बलिदानों से खरीदे हुए हथियार है। जाइए पत्ता। पर जीजा, आपके पास कौन रहे? हमारा आदेश है, जाइए। धनिका, आप माँ और बलवंत को सुरक्षा कक्ष में ले जाइए और जाकर सारे द्वार बंद कर दीजिए। हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक भाई जी लाल होंगी। आप बिचौलिए की प्रजा के लिए, किंतु हमारे लिए आप केवल हमारी पुत्री हैं। आपकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। संतान को संकट में देखकर क्या भला कोई माँ अपनी सुरक्षा के लिए छुपती है? हाँ माँ, आप ठीक कह रही है, हम भी जीजा की सुरक्षा करेंगे। ठीक है, अभी हमें सुरक्षा के कार्यों में और देरी नहीं करनी चाहिए। चलिए। हमें पूरे शस्त्रागार का भली भांति निरीक्षण करना होगा। बारूद के थैलों का सुरक्षित रहना अत्यंत आवश्यक है, और चाहे कुछ भी हो जाए वो अफगानों के हाथ नहीं लगना चाहिए। हमें अत्यंत सतर्कता के साथ अफगानों का यह आक्रमण विफल करना है। अब जाइए और जाकर भीतर देखिए, और भी अफगान सैनिक होने चाहिए वहां। गुप्त रास्ते से जाइए और पता लगाइए कि कितने अफगान सैनिक हैं। शीघ्र जाइए। केवल हथियार ही नहीं, वे हमारे बिचौलिया की प्रजा के बलिदानों से खरीदे हुए हथियार हैं। और कितने सिपाही हैं उनके? एक भी नहीं हुकुम। क्या, एक भी नहीं? किंतु ये कैसे संभव है? वे अफगान इतने कम सिपाहियों के साथ हम पर आक्रमण कैसे कर सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आक्रमण का मुख्य उद्देश्य हमारे हथियार और बारूद की चोरी थी ही नहीं? फिर क्या कारण हो सकता है? क्या मुख्य उद्देश्य हो सकता है उनके इस आक्रमण का? क्या हुआ तुम्हारी ये अवस्था? और तुम महल में बाईजी लाल की सुरक्षा को छोड़कर हमारे पास क्यों आए? बादशाह खान ने हमारा सारा महल सिपाहियों से घेर के हमला बोल दिया है।
कांस्टेबल में निशाना बांधी अच्छी तरह, उधर दाई ओर। अधिकार के मन चाहिए वरना अफगान सैनिक आप पर आसानी से निशाना बना सकते हैं। ध्यान से माशाल्लाह माशाल्लाह, शहजादे प्रताप ने शादी तो बिल्कुल अपने जैसे ही बहादुर और बेवकूफ से की है, मान गए। पर इस हमले की खबर प्रताप तक पहुंचे उससे पहले हमें महल में दाखिल होकर अजबते को अपने कब्जे में लेकर यहां से निकल जाना है। अच्छा मंसूर, वो हमारे पर्वत दास ने किसे महल की सबसे कमजोर कड़ी बताया था? भाई जीलाल का छोटा भाई बलवंत। बहुत खूब बहुत खूब, तो जाओ पता लगाओ कि वो महल के किस हिस्से से छिप छिप कर वार कर रहा है। जी हुजूर। अरवन, ये छोड़ने से पहले निशाना बांधी अच्छी तरह, आपको याद है ना? पता नहीं आपको सिखाते समय क्या कहा था। हाँ माँ, हमें याद है, हम कर रहे प्रयास। छोड़िए तीर, शबास, ये नीचे। मीरा माँ, एक राजपूत के लिए उसके दिए हुए वचन को निभाना उसका सबसे पहला धर्म होता है, और हम वही वचन निभा नहीं पाए। ताजीराज को हमने जो वचन दिया था उस वचन तक की मर्यादा को निभा नहीं पाए, असफल रहे हम सब। वो इसलिए प्रताप कि आपने अग्नि के सामने अपनी पत्नी को भी कुछ वचन दिए, कुछ वचन लिए कि यदि आप कोई भी तीर्थ यात्रा और कोई भी पूजा पाठ इत्यादि धर्म कर्म की प्रवृत्ति करते हैं तो मुझे साथ लेकर के करेंगे, तभी मैं आपके बाम आंगनी में आ सकती हूँ, अन्यथा नहीं। और उसी वचनों के कारण आज आप दोनों एक दूसरे के इतने निकट हैं। नहीं मेरा माँ, ऐसे मत बोलिए, हमारी दुविधाएं और बढ़ जाएंगी। पहले हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या सही क्या गलत, क्या पाप क्या पुण्य, क्या उचित क्या अनुचित, क्या करे क्या ना करे। पर अब आपकी ये बातें हमारी दुविधाओं को और बढ़ा देंगी। नहीं। कैसी दुविधा? आप स्वयं ये बात भली भांति जानते हैं कि सबसे पहले आपका राजधर्म आपको बिजुलिया की रक्षा करनी है, और उसके लिए आपको वापस जाना ही है। किंतु आपका मन ऐसा करने से बार बार आपको रोक रहा है, क्यों प्रताप? क्यों? मेरा मां, हम यही तो समझ नहीं पा रहे। हुजूर, दक्षिणी तरफ का तीरंदाज निहायती नौसिखिया लग रहा है, चार पांच तीर चलाता है, बमुश्किल एक तीर निशाने पे लगता है। फिर तो जरूर यही हमारे अजीज मियां बलवंत होने चाहिए। तेरी मैं
बन बन बड़े शर्म की बात है, कैसे राजपूत हो तुम? यूं छिप छिप कर तीर कमान खेल रहे हो और वहां झोंक दिया अपनी बिचारी बहन को हमसे जंग करने के लिए। क्या राजपूत ऐसे होते हैं? इतने कायर होते हैं राजपूत? लगता है तुमने ऐसे ही डर डर के लड़ना सीखा है। नहीं बस, ध्यान मत दीजिए इसकी बात को, ये आपको भड़काना चाहता है। मत सुनिए इसकी बात, चुप रहिए। नहीं माँ, ये ठीक कह रहा है। हम कायर है क्या? हम राजपूत है, ये हमारे पौरुष का ललकार है। और हम आजा बादशाह खान। नहीं बलवंत, बलवंत सुनिए हमारी बात। तीर आने बंद हो गए, लगता है हमारा तीर निशाने पर लग गया। छोड़ो, छोड़ो हमें, जाने दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो मुझे। आओ अफगानो, चुन चुन कर मारूंगी तुम लोगों को। चाहिए कुर्बान, कुर्बान मत रुक, चाहिए कुर्बान मत रुक, चाहिए महतरमा अजब। आपकी अम्मी जान और आपका छोटा भाई हमारे कब्जे में है। अगर आप इनकी जान की सलामती चाहती हैं तो खुद को चुपचाप हमारे हवाले कर दीजिए, वरना हमें मजबूरन उनको मारना पड़े। सोच लीजिए।